धन्य है जो ईश्वर के वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र गलीसिया प्रभु ईसा मसीह के बाद मां मरियम के त्योहार ज्यादा मनाती है और हम सब जानते हैं कि कई सारे त्योहार मां मरियम के नाम पर हम सभी विश्वासी मनाते ही, जिसके द्वारा विश्वासी गणों की मां मरियम के प्रति भक्ति भावना निरंतर बढ़ती जा रही है। आज माता गलीसिया आवर लेडी ऑफ माउंट काबर के त्योहार मना रही है। राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 18 पवित्र वचन 20 से हम पढ़ते हैं कि कार्मेल माउंट के बारे में, जहां पर नबी एलिया अपनी जनता के साथ ईश्वर के लिए बलि चढ़ा रहे। उस समय से कार्मेल पर्वत को पवित्र माना जाता है। इस पर्वत पर कुछ सन्यासीगण 12वीं सदी से रहते थे। वे विश्वास करते थे कि इस पर्वत पर नबी एलिया को मां मरियम बादल के रूप में उनको दर्शन दिए। उनके विश्वास के कारण वे आवर लेडी के नाम पर इस पर्वत पर एक चैपल बनाया। वे ये भी विश्वास करते थे कि आवर लेडी मसीहा को धारण करेंगे जो इस संसार के मुक्तिदाता। कहा जाता है सन 1251 में संत साइमन स्टोक को आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल ने दर्शन देते हुए स्कैपलर दिए और कहा, जो इसे पहने हुए मरते हैं उन्हें नरक की आग छू नहीं सकेगी। यह मुक्ति और संरक्षण का चिन्ह है। दो प्रकार के स्कैपलर है, एक मोनास्टिक स्कैपलर जो ब्राउन कपड़ा के रूम में कार्मेलाइट ऑर्डर के सन्यासी सन्यासिन पहनते हैं, और दूसरा डिवोशनल स्कैपुलर जो एक मेडल के रूप में विश्वासीगण अपने गले में पहनते हैं। आज जब पवित्र गलीसिया यह त्योहार मनाती है तो स्कैपुलर द्वारा मां मरियम के भक्ति पर जोर देती है। यह धार्मिकता एवं नम्रता को दर्शाते हैं। सार्वत्रिक गलीसिया मां मरियम के प्रति भक्ति भावना निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका एकमात्र कारण यही है कि मां मरियम ने प्रभु ईश्वर की वाणी को सुनकर उनकी इच्छाओं को पूर्ति की। इसलिए जब हम इस त्योहार मनाते अवसर पर कलीसिया हमें कुछ बातों को इस पर्व द्वारा याद दिलाती है। सबसे पहले हम भी मां मरियम के समान ईश्वर को अनुसरण करें। दूसरा, ईश्वर को एवं उनकी इच्छाओं को हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। तीसरा, विश्वास आशा और प्यार भरे जीवन से हम क्रिस्तीय जीवन को बढ़ावा दें। चौथा, निरंतर प्रार्थना करें। और पांचवा, हर परिस्थिति में प्रभु ईश्वर को अनुभव करें। तो आइए हम इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए उनके समान हम ईश्वर के कार्य करते रहे, ताकि प्रभु ईसा मसीह हमें देखकर यह कहेंगे, धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।